मेरा नाम कार्तिक है। मेरी इस साल जे एडवांस ऑल इंडिया रैंक 249 आई है। मैंने अपने ITJ की तैयारी स्कॉलरडेंसी करी है। मैंने यहाँ पे 11th में 2 साल पहले ज्वाइन करा था E3 बैच में। फिर क्योंकि यहाँ के टीचर्स को लगा कि मैं बैच शिफ्ट कर सकता हूँ अगर मैं एफर्ट्स लगाऊँ, तो उन्होंने भी मेरे साथ अलग से टाइम दे के खुद से एफर्ट्स लगा के मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाया जो मेरे टॉपिक्स छोटे हुए थे, और फिर मेरा बैच चेंज करा है। फिर जब मैं दूसरे बैच में शिफ्ट हुआ जो कि A1 था, तो उसके बाद मैंने KVBI की तैयारी करी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा KVBI क्वालिफाई नहीं हो पाया। पर मैंने फिर हार नहीं मानी और देखा कि मेरी कमियाँ क्या रह गई थी, तो मुझे फिर रिलाइज हुआ कि मेरी प्रैक्टिस बहुत कम है, कि मैंने क्वेश्चंस उतनी बार फिर से करे नहीं है जितना और बच्चों ने करे थे। तो मैंने फिर 11th और 12th के बीच जो गैप था उसमें उन सब पे वर्क करा, और 11th में जो भी मैंने टॉपिक्स छोड़ दिए थे, जो मैंने मतलब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आके सोचा था कि ये तो हो ही जाएंगे, वो मुझे रिलाइज हुआ कि उनमें मेरी स्पीड बाकी बच्चों से बहुत कम है। तो मैंने फिर प्रैक्टिस करी और 2-3 बार वो पूरे पैकेजेस कॉर्डन के लगाने के बाद मेरी फिर स्पीड कवर अप हो गई। फिर जब 12th के एंड में बोर्ड्स आए तो फैमिली प्रेशर तो था ही, मतलब प्रेशर तो होते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो अच्छे स्कोर करने ही है। तो मैंने बस तैयारी 1-2 महीने पहले शुरू करी थी बोर्ड से, और उसमें भी मेरे बहुत अच्छे स्कोर हो गया 94.8% की बोर्ड्स में। तो कम टाइम में भी अच्छा खासा स्कोर आ सकता है बोर्ड्स में, ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे साइड सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, उसमें तो जल्दी हो जाता है कवर। और फिर जेई मेंस हुआ, तो जेई मेंस में मेरी 99.6 थी जनवरी में, लेकिन इम्प्रूव होकर वो 99.81 हुई सेप्टेम्बर अटेम्प्ट में, और एडवांस में तो बहुत इम्प्रूव हो गया। तो ये इम्प्रूवमेंट चलता रहता है, बस वर्क करना है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स के बाद लॉकडाउन हुआ था तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि फिर शेड्यूल पूरा चेंज हो गया था, थोड़ा नए एनवायरनमेंट में पढ़ने की आदत डालनी थी। जैसे पहले मैं यहाँ स्कॉलिंग शेड्यूल में ही पढ़ता था, लेकिन फिर घर में पढ़ने की आदत डालनी पड़ी, उस हिसाब से शेड्यूल बनाना पड़ा। तो उसमें भी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, कि जिससे मैं 6-7 hours डेली सेल्फ स्टडी आराम से कर पाऊँ और क्लासेस शांति में ले पाऊँ, जिससे फोकस रहूँ और प्रैक्टिस भी हो जाए। और पूरे लॉकडाउन में स्कॉलिंग में रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस तो थी, और टेस्ट पेपर्स भी और टेस्ट भी होती रहते थे, और हर संडे तो एडवांस पैटर्न तो होते ही थे, तो उससे प्रैक्टिस बनी रही। और वो ये कि स्पीड एक्यूरेसी जो चाहिए होती है, और फिक्स्ड अप्रोच जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर अप्रोच प्रॉपर नहीं होगी तो टाइम वेस्ट भी हो जाता है और हो सकता है आंसर भी प्रॉपर ना है। तो इसलिए वो सब मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन में यहाँ पेरेंट्स से भी सपोर्ट रहा और स्कॉलरडेन से सपोर्ट थे, तो उनकी हेल्प की वजह से मैं पूरे लॉकडाउन बस मेंटेन करता रहा और थोड़ा सा इम्प्रूव करता रहा, तो इसलिए मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा एडवांस में। और जैसे यहाँ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पैकेजेस तो थे ही, पर अगर इम्प्रूवमेंट और चाहिए जैसे मुझे चाहिए था, तो उन्होंने अलग से प्रैक्टिस शीट बनवाई या एडवांस प्रैक्टिस शीट्स बनवाई, तो क्वेश्चंस वो नए नए देते रहे ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन रहे कि हाँ टीचर्स भी एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए करना है। तो उसी के लिए फिर हम भी लगातार वर्क करते रहे, और फिर मेरे बैचमेट्स के साथ भी मैं भी हार्ड वर्क करते ही रहा, तो इम्प्रूवमेंट होता गया और फाइनली आउटपुट आ गया।